जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं अजीत फौजी सुंगरपुरिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोशाम। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक रिलेशन की भर्ती के बारे में, जो कि जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली, जिसको जेआरसी सेंटर बरेली बोलते हैं। तो दोस्तों हर बंदे का सपना होता है अपने कंधे के ऊपर जाट रेजिमेंट का लोगो लगाना। हर बंदे को आजकल ये ट्रेंड में है और आपको पता ही है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको जाट रेजिमेंट सेंटर जेआरसी सेंटर बरेली की भर्ती के बारे में। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जाट रेजिमेंट सेंटर के कुछ अधिकारी और कर्मचारी जो ग्राउंड का मुआयना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं भर्ती की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और ये भर्ती अब निकल कर सामने आ गई है। अब दोस्तों ये भर्ती जो है अक्टूबर के महीने में शुरू होगी, 4 अक्टूबर से, और ये लगातार चलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से भर्ती आपकी, आपको बता दें कि पूरे अक्टूबर के माह में चलेगी और इस माह में सबसे पहले इसका जो शेड्यूल जारी हुआ है वो 4 अक्टूबर को शुरू हुआ है। ये भर्ती सोल्जर जीडी के लिए, सोल्जर ट्रेडमैन के लिए, सोल्जर क्लर्क एसकेटी के लिए, इन कैटेगरियों की ये भर्ती यहाँ पर की जाएगी। तो आपको बता दें दोस्तों जो सोल्जर क्लर्क एसकेटी है उसके सिर्फ जाट रेजिमेंट के जो भी सर्विंग पर्सन हैं और एक्स सर्विसमैन हैं जिनके भाई और बेटा, ये ही भर्ती देख सकते हैं क्लर्क के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान देना है। और जो क्लर्क के लिए आपको एजुकेशन पता है, ये प्लस टू पास होना चाहिए, 60% नंबर होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में 50 नंबर होने चाहिए, मैथ अकाउंट्स वगैरह कंपलसरी हैं एक सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से जो क्लर्क की एजुकेशन है उसका ध्यान देना दोस्तों। और जो भी मेरे भाई भर्ती के लिए जा रहे हैं, जो सोल्जर जीडी है उसकी भर्ती, जो जो इसमें शेड्यूल में बता रखा है कि 4 अक्टूबर को सोल्जर जीडी की भर्ती होगी, तो इसके अंदर जो है यूके के मंडे, 4 अक्टूबर का मंडे है 2021 को, यहाँ से भर्ती शुरू होकर ही आगे चार्ट में सभी बता रखा है कि कौन से उसमें आएंगे। तो सभी इसमें 4 अक्टूबर को सबसे पहले गेम वाले स्पोर्ट्स वाले बच्चों की ट्रायल हो रही हैं दोस्तों। उसके बाद 5 अक्टूबर को जो सोल्जर जीडी यूपी के हैं, तो यूपी के तमाम ज़िले दे रखे हैं आगे कौन कौन सा चार्ट के अंदर, आप देख सकते हो, मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद 6 अक्टूबर को भी यूपी का ही है क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। उसके बाद 7 अक्टूबर को भी यूपी से हैं सोल्जर जीडी के लिए। उसके बाद 8 अक्टूबर फ्राइडे शुक्रवार को सोल्जर जीडी हरियाणा के लिए हैं। फिर 9 अक्टूबर शनिवार को भी सोल्जर जीडी हरियाणा के हैं। उसके बाद 11 अक्टूबर 2021 को सोल्जर जीडी राजस्थान के ज़िले हैं, और फिर 12 अक्टूबर को भी मंगलवार को, ये भी राजस्थान के कुछ ज़िले हैं। तो जहाँ जहाँ से भी ये अपने जाट कास्ट के लड़के बिलोंग करते हैं उनके ज़िले दे रखे हैं कौन से ज़िले की भर्ती कब होगी, इसमें पूरा शेड्यूल दे रखा है दोस्तों। तो इसके अंदर रिलेशन के बच्चे जा सकते हैं, आपको पता ही है जाट रेजिमेंट सेंटर के अलावा जितने भी सोल्जर जीडी में कोई भी अदर सेंटर का बच्चा जीडी में भर्ती देख सकता है। उसके अलावा आपको बता दें कि सोल्जर ट्रेडमैन की सभी स्टेट की भर्ती 13 अक्टूबर को होगी। उसके बाद 16 अक्टूबर को ये जो है आल जो है स्टेट के जो क्लर्क के लिए भर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्लर्क के लिए जा रहे हैं ओनली जाट रेजिमेंट के होने चाहिए, ये आपको बता दिया। क्लर्क के लिए भर्ती है 16 अक्टूबर को होगी। और उसके बाद में आपको बता दें उनका मेडिकल होगा, उनका पीएफटी पीएमटी होंगे, इस प्रकार से भर्ती चलेगी। इनमें स्पोर्ट्समैन भी शामिल होंगे, ट्रायल होगी। उसके बाद दोस्तों 18 अक्टूबर को म्यूजिशियन की ट्रायल होगी दोस्तों, म्यूजिशियन का ट्रायल लिया जाएगा। और इनका जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 30 जनवरी 2022 को संडे को होगा भाई, यहाँ पर ये ध्यान दें। अगले साल जो है जनवरी लास्ट में, लास्ट वीक में 30 जनवरी को संडे है, तो वहाँ पर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और 5 फरवरी तक आपकी मेरिट जारी कर दी जाएगी, जो लड़के भर्ती होंगे उनके डॉक्यूमेंट उनके लिए बुला लिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग सेंटर में चढ़ा दिया जाएगा।
तो इस प्रकार से भर्ती कंडक्ट की जाएगी। इस भर्ती का पूरा शेड्यूल आ रखा है दोस्तों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं चार्ट। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपको उसमें समय समय पर हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहती है, चार्ट वगैरह मिलते रहते हैं। फिर भी किसी भाई को समझ में नहीं आया तो हमें पर्सनली, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम कर सकते हैं, तो जो भाई जैसा भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है, हमसे जितना होगा उतनी आपको जानकारी प्रॉपर दी जाएगी। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, भर्ती की तैयारी करते रहें और जल्दी जाट सेंटर रेजिमेंट सेंटर में भर्ती के लिए पार्टिसिपेट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।